7 सितंबर की सुबह इसरो चीफ का ये वीडियो जिस किसी ने भी देखा वो खुद को भी भावुक होने से नहीं रोक पाया। बेहद ही सरल स्वभाव के सिवन वैसे तो मानसिक रूप से बेहद मजबूत माने जाते हैं, लेकिन चंद्रयान 2 मिशन के 95% सफल होने के बाद लैंडर विक्रम से संपर्क टूट जाने पर वो उस बच्चे की तरह भावुक हो गए जो कुछ ही अंकों से क्लास में फर्स्ट आने से रह जाता है। लेकिन अब इसरो, सिवन और देश की उम्मीदें एक बार फिर जाग गई हैं। चंद्रमा पर विक्रम लैंडर से संपर्क होने की उम्मीद कायम है और ये उम्मीद लैंडर के चंद्रमा पर खो जाने के बाद जिस शख्स ने दी थी वो के सिवन ही है। बेहद सरल और स्वाभाविक दिखने वाले के सिवन की कोशिशों का नतीजा ही है कि भारत आज अंतरिक्ष में सबसे कम कीमतों में उपग्रह भेजने के मामले में अपनी अलग पहचान बना चुका है। ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर को ढूंढ निकाला और अब एक और खुशी की खबर ये है कि हार्ड लैंडिंग के बावजूद भी विक्रम लैंडर को नुकसान नहीं पहुंचा है। मंगल मिशन के लिए PSLV के उपयोग से कम लागत वाली प्रभावी रणनीति विकसित करने में सिवन ने बड़ी भूमिका निभाई थी। जब सिवन 1982 में इसरो आए तो सबसे पहले उन्होंने PSLV परियोजना पर काम किया और उसे ताकतवर बनाने के लिए कई प्रयास किए। PSLV ने इसरो के अन्य लॉन्च व्हीकल RLV-TD समेत GSLV, MK-2 और MK-3 को एक आधार दिया। 15 फरवरी 2017 को PSLV के जरिए ही एक बार में 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजने की सफलता के पीछे भी सिवन ही प्रमुख मिशन आर्किटेक्ट थे। ये इसरो की बहुत बड़ी सफलता है और एक साथ 100 से अधिक उपग्रह भेजने वाला भारत पहला देश बना। स्पेस साइंस में भारत को नई उड़ान देने वाले के सिवन का वैज्ञानिक बनने का सफर भी बेहद दिलचस्प और प्रेरणा देने वाला है। सिवन ने 1980 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एयरोनॉटिक्स में इंजीनियरिंग की। इसके 2 साल बाद बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान से उन्होंने एयर स्पेस में ग्रेजुएशन की और इसी साल वो इसरो से भी जुड़े। इसके बाद साल 2007 में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में IIT बॉम्बे से अपनी PhD पूरी की। इसरो में BSSC, LPSC के निदेशक, GSLV के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, अंतरिक्ष आयोग के सदस्य और इसरो परिषद के उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों से होते हुए सिवन 2018 में इसरो के प्रमुख बने। के सिवन सिर्फ स्पेस साइंस तक ही सीमित नहीं है, वो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी स्पेस साइंस पर रिसर्च कर रहे हैं। सिवन के नेतृत्व में इसरो रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने वाली तकनीक को उद्योग से जोड़ने की दिशा में भी काम कर रहा है। मेडिकल उपकरणों के विकास के लिए भी वो काम कर रहे हैं। बेहतर माइक्रोप्रोसेसर, नियंत्रित कृत्रिम अंग और कृत्रिम हृदय पंप जिसे वाम वेंट्रिकल असिस्ट डिवाइस कहा जाता है उसे फील्ड ट्रायल के लिए तैयार किया गया है। सिवन इस टीम के प्रमुख रहे हैं जिसने 6D सिमुलेशन सॉफ्टवेयर सितारा बनाई है जो इसरो के सभी प्रक्षेपण में एक अहम किरदार निभाता है। उन्होंने एक ऐसी रणनीति का विकास किया जिसने मौसम के पूर्वानुमान और हवा की गति की स्थिति को देखते हुए किसी भी मौसम में और साल के किसी भी दिन रॉकेट को लॉन्च करना संभव किया। इसके अलावा उनके नेतृत्व में लिथियम बैटरी भी बनाई गई जिसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में इस्तेमाल किया जा सकेगा। सीमित संसाधनों में बेस्ट रिजल्ट देना सिवन ने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा और भारत जैसे देश में सीमित संसाधनों के साथ स्पेस तक का सफर तय करने में सिवन के अनुभव काफी काम आए। 14 अप्रैल 1957 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में एक किसान परिवार में जन्मे सिवन ने आर्थिक तंगी के बीच ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग की। आलम ये था कि वो अपने परिवार में एकमात्र ग्रेजुएट और इंजीनियर थे। शुरुआती शिक्षा मेला सराकला विल्लई गांव के सरकारी स्कूल में तमिल माध्यम से हुई। उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई भी तमिल माध्यम से ही की थी। स्कूली शिक्षा के दौरान वे खेती में अपने पिता की मदद करते थे। 1977 में गणित में मदुरई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की 100% अंकों के साथ ही वे अपने परिवार के पहले ग्रेजुएट बने। ऐसा नहीं कि के सिवन का नाम विवादों से नहीं जुड़ा। जब वो इसरो के चेयरमैन बने तो उन्होंने स्पेस एप्लीकेशन डायरेक्टर का डिमोशन कर दिया था जिसको लेकर इसरो के वैज्ञानिकों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी तक लिखी थी। सिवन को उनके योगदान के लिए डॉक्टर कलाम समेत कई पुरस्कार मिले। डॉक्टर सिवन को 2007 में इसरो मेरिट अवार्ड मिला। 2011 में डॉक्टर बीरेन राय स्पेस साइंस एंड डिजाइन अवार्ड मिला। इसके साथ ही 2016 में इसरो अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट दिया गया। 1999 में डॉक्टर विक्रम साराभाई रिसर्च अवार्ड मिला था। इसके साथ ही सत्यभामा यूनिवर्सिटी समेत कई यूनिवर्सिटी से उन्हें
डॉक्टर ऑफ साइंस से भी नवाजा जा चुका है। अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली डिजाइन और निर्माण के सभी क्षेत्रों में अपने अनुभवों के आधार पर 2015 में इंटीग्रेटेड डिजाइन फॉर स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नामक उनकी किताब भी प्रकाशित हुई है। के सीवन एक वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि उनका पूरा जीवन भी विज्ञान है। उनका जीवन उन लोगों को प्रेरणा दे सकता है जो गरीबी, विपरीत परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के आगे हार मानकर बैठ जाते हैं।